वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम गोटे नुआ टॉपिक डिस्कस करवा जो लर्निंग असेसमेंट रे जो बीएड थर्ड सेमेस्टर रे जो कही थी जो सिलेक्शन क्वेश्चन देवी तो आज से भिडियो नहीं कि आपको तो चलतु लर्निंग असेसमेंट रे बीएड थर्ड सेमेस्टर जो सिलेक्शन क्वेश्चन टोटल यूनिट वन रू यूनिट फाइव पर्यंत तुम डिस्कस करी। जदि चैनल को आप नुआ आन प्लीज सब्सक्राइब करेंगे एंड आप फ्रेंड मानक सेयार करने भूलिए ना। तो चलतु लर्निंग असेसमेंट रे फर्स्ट यूनिट वन रे जो सिलेक्शन क्वेश्चन देती टोटल मुझे चार्टा सिलेक्शन क्वेश्चन देती। फर्स्ट कहला डिस्कस अबाउट असेसमेंट और इवैल्यूएशन और टेस्ट और मेजरमेंट और एग्जामिनेशन एति भितर हुए तो सी गोटे क्वेश्चन पकेबो। ओके नेक्स्ट सेकेंड कहला डिस्कस अबाउट पर्पज प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। तीन ले कहला डिस्कस अबाउट से तीन टा भितर जोड़ा पकेबो बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट चार नंबर कहला डिस्कस अबाउट प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो ये यूनिट वन रे। यूनिट टू रे देखु डिस्कस अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इट्स रोल फॉर टीचर्स एंड इट्स रोल फॉर स्टूडेंट्स। क्लियर जे फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन एवं से ही फॉर्मेटिव असेसमेंट रे टीचर एवं स्टूडेंटर कौन सब रोल रही है विषय गोटे क्वेश्चन लिखुद। अच्छा नेक्स्ट कहला लर्निंग एज ए स्ट्राटेजी फॉर यूजिंग असेसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो कहला जे लर्निंग एज ए स्ट्राटेजी फॉर यूजिंग असेसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जे लर्निंग प्रोसेस रे लर्निंग लर्निंग प्रोसेस रे जब आम असेसमेंट यूज करुचे तो तार किसी स्ट्राटेजी अच्छी जहाद्वारा कि आम ऑब्जर्वेशन द्वारा करी थाउ क्वेश्चनिंग द्वारा करी थाउ एवं रिफ्लेक्शन द्वारा करी थाउ। तो तीन टा भितर जेडा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पकेब। तीन ला कहला देखो राइट ए शॉर्ट नोट पकेब कौन प्रोजेक्ट विषय असाइनमेंट विषय वर्कशीट विषय प्रैक्टिकल वर्क विषय परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग रिपोर्ट्स बा सेल्फ असेसमेंट बा पीर असेसमेंट बा सबमिटिव असेसमेंट रे पकई पारिबो। नेक्स्ट यूनिट टू सला थ्री रे। थ्री रे फर्स्ट कला डिस्कस अबाउट असेसमेंट बा टूल्स जे किसी असेसमेंट बा टूल्स हो ता विषय रे डिस्कस करिया बे कहबो कोनो जे कॉग्निटिव लर्निंग बा थिंकिंग स्किल बा डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग बा क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बा डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर टू रे कहला सिलेक्टेड रेस्पन्स असेसमेंट तापर गोटे सर्ट नोट्स पकाओ कौन सी कह मल्टीपल चॉइस बाइनरी चॉइस मैचिंग विषय पकई पार। तीन ले कहला क्वेश्चन नंबर थ्री रे कंस्ट्रक्टेड रेस्पन्स असेसमेंट कौन से पकड़े सर्ट नोट्स यह विषय गोटे डिस्कस कर कौन जो कंप्लीशन सर्ट आंसर एस आईटम। ओके चार नंबर क्वेश्चन नंबर चार कहला जे असेसमेंट बा टूल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग जमीक गोटे सर्ट नोट पकड़े एटीट्यूड बा वैल्यू इंटरेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू रेटिंग स्केल बा चेकलिस्ट या भितर गोटे शॉर्ट नोट्स पकेबो बहुत इंपोर्टेंट। एवं लास्ट पांच नंबर कहला जे असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जमीक रूब्रिक्स एवं तार टाइप्स विषय डिस्कस करने कह पे पोर्टफोलियो कौन एवं तार टाइप्स विषय डिस्कस करने कह ये यूनिट थ्री। नेक्स्ट यूनिट फोर रे कहला डिस्कस अबाउट प्लानिंग प्लानिंग विषय डिस्कस करने कह। क्वेश्चन नंबर टू इंस्ट्रक्शनल और लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऊपर डिस्कस करने कह। क्वेश्चन नंबर थ्री कहला डिस्कस अबाउट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव विषय पकई पारे। चार कहला बहुत इंपोर्टेंट ओरल एंड रिटन टेस्ट तापर डिस्कस कर। पाँच कहला ओपन बुक एग्जामिनेशन कौन डिस्कस कर। छह कहला ब्लू प्रिंट कौन तापर डिस्कस कर। सात कहला डिस्कस अबाउट प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन पुणी आठ कहला डिस्कस अबाउट कम्युलेटिव रिकॉर्ड रेकर्ड विषय जो तापर डिस्कस कर। नौ कहला डिस्कस अबाउट प्रोफाइल विषय एवं लास्ट कहला डिस्कस अबाउट ओपन हाउस। ओके सब जिते भिड अच्छे ऑलरेडी यार भिड मुझ अपलोड कर देती आप प्ले लिस्ट जाए पारे। यूनिट फाइव लास्ट वन यूनिट फाइव रहा कम्प्लीट हो तो यूनिट वन में मुझे छटा क्वेश्चन बनई फर्स्ट कहला डिस्कस अबाउट यूनिट टेस्ट विषय कहबाजे यूनिट टेस्ट विषय डिस्कस कर। दुई नंबर कहला डिस्कस अबाउट हापीअली एंड एनुआल एक्जामेसन विषय जो हापीअली एंड एनुआल एक्जामेसन विषय डिस्कस करने कह। तीन कहला डिस्कस अबाउट बोर्ड एक्जामेसन एंड एंट्रान्स एक्जामेसन। चार कहला मैनेजमेंट अफ एक्जामेसन एंड मैनेजमेंट अफ एसेसमेंट या डिस्कस कर कौन। पाँच कहला मार्किंग सिस्टम इन इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम इन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मार्किंग सिस्टम थाए ग्रेडिंग सिस्टम थाए विषय डिस्कस कर।
एवं लास्ट छरे कहला जे ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विषय डिस्कस करो सी हुए तो जदी पकेला शॉर्ट नोट्स तबे पके जो डिस्कस अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन बट डिस्कस अबाउट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सो लॉन्ग क्वेश्चन पकेला तबे दीटा को मिसिकी पकेबो जतिको वीडियो मु कहली यूनिट 1 ले यूनिट 5 पर्यंत जतिको मु सब सिलेक्टेड क्वेश्चन कहली ऑलरेडी तापर सब वीडियो मु लर्निंग असेसमेंट छाड़ी सारी यूट्यूब पर अपलोड कर सारी आपण जिबे प्लेलिस्ट को सेतरे जे लर्निंग असेसमेंट लिखाई थिवो सेतरे सब ए टू जेड यूनिट 5 रो टोटल वीडियो आपण पाई परिवे एवं तापर भी जदी कोनोसी डाउट रहि जे जदी आपण कमेंट बॉक्स रे जणेबे देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओके सो आई होप इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स प्लीज चैनल को आपण फ्रेंड मान पाखु शेयर करिवे शेयर करने भूल चैनल को सपोर्ट करूँ चैनल को आहरी ग्रो हम सो एतिको जो मु टोटल सिलेक्टिव क्वेश्चन जो तैयारी करी ये 100% या भितर आसो नो डाउट एवं लर्निंग असेसमेंट में आहुरी किसी अच्छी जो मैथमेटिकल टॉपिक जमीक किसी देखी मुझे जो मीन मीडियन मोड जो यूनिट 4 अच्छी यूनिट 4 जो मेन मीडियन मोड एमती सब ग्राम सब मैथ टाइप रुक पढ़ा आवश्यक ना जी आप पार्थ एक्सट्रा टाइम काटिक तेज पढ़ी पारे ना जितको मुझे क्वेश्चन तैयारी करें ग्यारंटी तातर निहाती आप एग्जाम पाई ओके सो टोटल एतिको थिला यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 या स्क्रीनशॉट मारि नि जो जहाँ भी जोटा सुविधा होता करूँ क्वेश्चन आंसर सबू अच्छी यूट्यूब भिडियो आप जाए सो थैंक यू एंड टेक केयर।